हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और अब हम जा रहे हैं अपने पांचवें केदार कल्पेश्वर धाम पे, तो चलते हैं, लेट्स गो। बद्रीनाथ रोड से लगभग 500 मीटर आगे हम लोगों को मुड़ना होगा कल्पेश्वर धाम के लिए। रास्ता कुछ इधर का ठीक नहीं लग रहा है। सही, अभी डिस्कस कर रहे हैं कि उधर जाने लायक है कि नहीं, तो यहाँ के लोगों से बात करके अभी आते हैं। वो गए हैं बात करने कि रास्ता सही कि नहीं, जाने लायक है कि नहीं, फिर हम लोग जाने का प्लान करेंगे। आगे रास्ता ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग दूसरी गाड़ी टैक्सी करके जाएंगे, अपनी गाड़ी से निकल जाएंगे। अच्छा, वहाँ से रुद्रनाथ भी है रास्ता? रुद्रनाथ भी रास्ता कितना दूर है रुद्रनाथ के लिए? आपको फिर ये वाला रूट पकड़ना पड़ेगा सामने, इसके सामने रोड जा रही है ना। अच्छा, वो सामने देखो, वो कितनी दूरी है? वहाँ कल्पेश्वर से पड़ेगा आपको 20 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर का। ट्रैक कितना है? ट्रैक वहाँ से आपका जैसे एक नाइट रहोगे डुमक एक गांव है लास्ट में, उसके बाद आपने डुमक से जाना है। टोटल ट्रैक कितना हो जाएगा, कितने किलोमीटर का? भैया किलोमीटर का तो ध्यान दिया हमने, क्योंकि हम लोग इस रास्ते गए नहीं वैसे, लेकिन ट्रैक जाता है इस रास्ते। पहले इस रास्ते गाड़ी नहीं जाती थी, अब जाने लगी है, लेकिन लोकल गाड़ियाँ ही जाती हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं जाती हैं कल्पेश्वर धाम की तरफ। ये आपने कनाडा का झंडा क्यों लगा रखा है? ये केवल सो के लिए गाड़ी में। रास्ता वाकई सही नहीं है, ध्यान मध्य उद्गम में अभी करा दूंगा जी। उसके बाद आप है वृद्ध बद्री है। हाँ। ठीक है। हाँ। अभी यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे जाके वृद्ध बद्री पड़ेगा। अच्छा। फिर आएगा आपका जोशी मठ। हाँ। जोशी मठ से आगे पड़ेगा आपको भविष्य बद्री। हाँ। भविष्य बद्री पड़ेगा आपको 30-35 किलोमीटर करीब। हाँ। ठीक है। उसके बाद आप बद्रीनाथ दर्शन करके वापसी में जाओगे 8 बजे। एक जगह मिली होगी आपको रास्ते में कर्णप्रयाग। हाँ, कर्णप्रयाग से पड़ेगा आपको 30 किलोमीटर आज बद्री अलग, नैनीताल वाली रोड पर। अच्छा, नैनीताल रोड। हाँ। अच्छा, यहाँ से दो रास्ते कटते हैं हमको, जैसे अयोध्या जाना है यूपी, तो एक नैनीताल होके जाता है। बहुत खराब रास्ता है। उसको बंद गिरता है लेकिन रस बहुत था, बहुत था केदारनाथ जी में, रस बहुत था। बाद महेश्वर का ट्रैक पूरा खाली था, वहाँ कोई नहीं मिला हमें। ठीक है, तुंगनाथ बहुत ज्यादा रस था और वहाँ पे कचरा। तुंगनाथ में आप लोगों ने कितने बजे ट्रैक चालू किया? तुंगनाथ हमने ट्रैक चालू किया था 2:30 बजे और लौट के आए हैं 8:30 बजे, दोपहर में चालू किया 2:30 बजे और रात में 8:30 से लिए आपको रस मिला। हाँ, रस था वहाँ फिलहाल। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, रिव्यू का रस हो जाता है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, और टाइम फ्रेम जो आपने चूज किया था ना वो उनका प्रोविडेंट टाइम। हमारा तो क्या है, हमने तो अपना शेड्यूल बना रखा था कि हमें इस शेड्यूल में करते चलना है। सेम डे वापस आ गए। यहाँ से भी रास्ते में जंगल पड़ रहा है, पूरे रास्ते नेटवर्क रहेगा एयरटेल का, मंदिर पहुँचने पे नेटवर्क है। ऐसे जहाँ कुछ नहीं मिले वहाँ BSNL मिलता है। वहाँ BSNL है, वहाँ BSNL है, बैठा हूँ। 10 नंबर हल्की सी क्रैकिंग आई जी। ठीक है, तो क्रैकिंग आई तो दो होटल थे आमने सामने ऐसे। अच्छा, तो क्या हल्की क्रैकिंग से वो होटल ऐसे चिपक गई। अच्छा, उसमें क्या किया अपने प्रेस में वो कर दिया, क्या अखबार वालों ने न्यूज़पेपर में कि भाई दूसरी बार धसने बैठ गया। अच्छा, दूसरी बार ऐसे कहाँ धसेगा, मतलब ऐसी कोई वो नहीं है, इसका ज़्यादा वो नहीं था।
वहाँ की भी चल रही थी, नीम करौली बाबा की, कि वहाँ भी दरारें आ रही हैं घरों में, पहाड़ों में दरारें तो आएंगे आएंगी। अब मान लिया बात, ये घर बना है, इसका जो सीवर का पानी है, घर का पानी है, कहाँ जाएगा उसको? यही खेत जाएगा, जाएगा ना। अब जब गीला होगा तो हल्का सा बैठेगा, बैठा जाएगा, उस पर लोड जाएगा तो जगह तो बैठेगी आपकी जमीन पर। ये कौन सा शहर है? ये है उर्गम। उर्गम है जी। अच्छा, यहाँ पे कोई एरिया है मिनी स्विट्जरलैंड? वो तो चोपटा है। चोपटा है, चोपटा को बोलते हैं तुंगनाथ, तुंगनाथ को उसको बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। और यहाँ पे कोई जगह है घूमने वाली? यहाँ पे तो यही है, ये यहाँ पर बंसीनारायण है, यहाँ इसके टॉप में, और सूर्यनारायण है सामने। अच्छा, यहाँ बंसीनारायण भगवान कृष्ण का एक मंदिर है। अच्छा, वो मंदिर साल में केवल एक दिन खुलता है। साल में एक दिन? वो दिन कब आता है? वो दिन है रक्षाबंधन। अरे वाह, कौन सा मंदिर है? भगवान बंसीनारायण। अच्छा, भगवान कृष्ण का मंदिर है। ऐसी क्या खासी जो एक दिन खुलता है? रक्षाबंधन का यही बांधी होंगी राखी वाखी वो। हाँ, जितनी भी लड़कियाँ हैं उस दिन भगवान को राखी बांधती हैं, तो सुबह पट खोलेंगे भगवान का, शाम को भी बंद जाएंगे। अभी आप जाओगे आपको दर्शन होंगे, लेकिन कपाट बंद किए दर्शन। अच्छा, कितनी हाइट है यहाँ से? पैदल जाना होता है? हाँ, पूरा पैदल होता है। इतना दूर सुबह जाके शाम को वापसी होती है हम लोगों की, आपको तो एक दिन पूरा लग जाएगा जाने जाने। अच्छा अच्छा, फाइनली वी रीच्ड पांचवें केदार पे, और यहाँ से बस जस्ट ये थोड़ी दूरी पे है, तो हम लोग फटाक से दर्शन हो जाएगा, ज़्यादा यहाँ पर ट्रैक है नहीं, तो हम लोग जल्दी से जाएंगे, 15 मिनट में दर्शन करके आएंगे, बहुत ज़्यादा दूरी तो है नहीं यहाँ से, तो चलते हैं। यहाँ पर भगवान शिव जी की जटा की रूप में पूजा होती है। यहाँ संतान प्राप्ति मेला भी लगता है क्या? 300 मीटर पहले तक गाड़ी आ जाती है यहाँ पे, और यहाँ से बहुत ही सबसे जो इजीएस्ट पंच केदार का ट्रैक है वो यही है कल्पेश्वर महादेव का, क्योंकि यहाँ तक पूरे आगे तक गाड़ी आती है, आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, केवल 300 मीटर चलना है, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल भी आपको देखने को मिलेगा। ये ब्रिज क्रॉस करके अभी सीढ़ियों से चढ़ के जाना, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होगा, थोड़ा दूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 300 मीटर आराम से चढ़ते हैं, थोड़ा अभी तो बहुत टफ लग रहा है चढ़ना भी। सीढ़ी चढ़ के हम लोग ऊपर पहुँच गए हैं, यहाँ के जो मंदिर है, यहाँ के जो महादेव हैं कल्पेश्वर महादेव, ये पत्थर से पूरे ढके हुए हैं, मतलब इनके ऊपर पूरा पत्थर, इतना बड़ा सा पत्थर है, मैं दूर से दिखाती हूँ। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इतना बड़ा पत्थर जो है पूरे भगवान जी के मंदिर पे ढका हुआ है। ये है भगवान जी का मुख्य द्वार,
और ये है वो पत्थर। तो आज हमारे पांचवें केदार का भी दर्शन हमें प्राप्त हुआ और आज पांचवें केदार की यात्रा यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब हम यहाँ से थोड़ी देर में निकले। इस तरह के त्रिशूल मुझे हर जगह हर किनार पे देखने को मिला है। ये वाला त्रिशूल क्या चीज फिर से बता। मेन चीज यही है, ये पत्थर बताइए काल का क्या मानना है इसके बारे में। शिव बाबा की जटा से मुझे पूजा की जाती है, और किदार है भगवान ने यहाँ जटाओं के रूप में दर्शन के लिए पांडवों को। ये इनको भगवान शिव की जटा कहा जाता है, ये जो पत्थर है तो इन्हीं को जटा माना गया है। यहाँ पर आपको सबसे कम भीड़ मिलेगी क्योंकि यहाँ का रास्ता अभी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि बिल्कुल भी सही नहीं है, प्रॉपर प्राइवेट गाड़ियाँ आने लायक नहीं है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम भीड़ मिलेगी। अब हम लोग निकल रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ। आज रात में शायद हम लोग बद्रीनाथ भी दर्शन कर लें। तो चलते हैं, लेट्स गो।